हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का चैप्टर मैडम राइड्स द बस देखने जा रहे हैं, जिसके ऑथर वल्ली कन्नन है और इसे तमिल से ट्रांसलेट किया गया है बाय के एस सुंदरन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस चैप्टर में एक छोटी लड़की के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम वल्ली था। उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन वो अपने दरवाजे के बाहर खड़ी होकर स्ट्रीट्स में क्या चल रहा है उसे देखकर टाइम पास करती थी। और उसका सबसे फेवरेट काम था उस बस को देखना जो हर थोड़ी देर में वहां से निकलती थी। एक दिन उस बस को देखते देखते वल्ली के मन में डिजायर आया कि उसे भी उस बस में बैठना है, और धीरे धीरे उसकी बस में बैठने की इच्छा बढ़ती गई। एक स्प्रिंग सीजन के दिन में जब बस चलती है तो एकदम से आवाज आती है, बस रुको बस रुको। बस रुकती है, कंडक्टर बस के बाहर देखता है तो उसे एक छोटी सी बच्ची दिखती है और वो बोलती है, मुझे टाउन जाना है, मुझे बस में बैठना है। तो कंडक्टर उसको बस में चढ़ने के लिए हाथ देता है तो वो बोलती है, Never mind, I can get on myself. वो एक मैडम जैसे कहती है और कंडक्टर ये सुनकर उसका मजाक बनाने लग जाता है और उसे मैडम कहकर बुलाने लगता है। उसके बाद वो कंडक्टर को 30 पैसे दे देती है और जाकर सीट पर बैठ जाती है। उसे कुछ दिख नहीं पा रहा था क्योंकि विंडो ऊपर थी, तो वो खड़ी होकर उस विंडो के बाहर देखने लगती है तो उसे रिवर बैंक दिखते हैं, ग्रासलैंड दिखते हैं और दूर दूर तक हरियाली फैली हुई दिखती है। उसे बहुत अच्छा लगता है। अचानक पीछे से एक बूढ़े अंकल बोलते हैं, सुनो बच्ची, ऐसे वहां खड़े मत रहो, बैठ जाओ। वल्ली को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, यहाँ पर कोई बच्ची नहीं है। इतने में कंडक्टर आ जाता है और बोलता है, अरे आपको पता नहीं, ये एक मैडम है, आपको लगता है कोई छोटी बच्ची सिटी तक जाने के लिए रेंट दे सकती है? मैं कोई मैडम मैडम नहीं हूँ और आपने मुझे टिकट भी नहीं दिया। आपने टिकट का पैसा दिया है तो आप सीट पर बैठिए, आपकी जर्नी ज्यादा कंफर्टेबल होगी। वो कंडक्टर को बोलती है, मेरी जो इच्छा होगी मैं वो करूंगी। पर जब बस में पैसेंजर्स आ जाते हैं तो उसे लगता है कि कहीं उसकी सीट न चली जाए, तो वो सीट पर बैठ जाती है। उसके बाद वहाँ पर एक ओल्ड वुमेन आ जाती है और उसने बहुत बड़े इयररिंग्स पहने होते हैं, उसके पास से अजीब सी स्मेल आ रही होती है। वो वल्ली से बोलती है, अरे इतनी छोटी बच्ची अकेले ट्रेवल कर रही है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हें किस स्ट्रीट में जाना है और किस हाउस नंबर पे जाना है? इससे वल्ली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, यू डोंट बदर अबाउट मी, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ, और हाँ मैंने टिकट भी लिया है। वो बस में बैठने के लिए एक प्लान बनाती है और डिसाइड करती है कि वो क्या क्या करेगी। तो उसके लिए उसने अपने रिश्तेदारों और नेबर्स से पता किया कि बस में बैठने के और सिटी तक जाने के चार्ज 30 पैसे हैं और सिटी यहाँ से 6 माइल्स दूर है, यानी उसे घर तक वापस आने के लिए 30 पैसे और चाहिए। इसका मतलब उसे टोटल उसकी जर्नी के लिए 60 पैसे की ज़रूरत है। उसने बस के टाइमिंग्स पता किए और दिन के 1 to 2:45 वाले स्लॉट में जाने का सोचा, जब उसकी मम्मी सोती है, ताकि उन्हें पता ना चले। उसने बहुत मेहनत करके उन पैसों को बचाया जिससे वो टॉयज वगैरह खरीद सकती थी। जब वो एक जगह से निकल रहे थे तो उसे रोड के बीच में एक काऊ दिखती है जो चलती बस के सामने आ जाती है, और वो समझ नहीं पा रही थी उसे कहाँ जाना है। इसे देखकर वल्ली बहुत हंसती है। फिर से वहां पर कंडक्टर उसे आकर कहता है, इतना क्यों हंस रही हो, थोड़ी हंसी कल के लिए भी बचा कर रखो। उसके बाद बस सिटी में एंटर हो जाती है और रुक जाती है। सारे लोग बस से उतर जाते हैं लेकिन वो नहीं उतरती, तो कंडक्टर उससे आकर पूछता है, तुम्हें उतरना नहीं है क्या, बाहर इतने अच्छे स्टॉल हैं, इतने अच्छे नज़ारे हैं। तो वो कंडक्टर को और 30 पैसे देकर बोलती है कि मैं वापस भी इसी बस में ऐसे ही जाऊंगी।
वो वल्ली को कोल्ड ड्रिंक और बाकी चीज़ें ऑफर करता है, पर वो मना कर देती है। कंडक्टर बोलता है, ये फ्री है, मैं तुमसे इसके पैसे नहीं लूँगा। फिर भी वो मना कर देती है। जब वो वापस उसी रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें एक मरी हुई काऊ दिखती है। तो वो कंडक्टर से पूछती है, क्या ये वही काऊ है जो हमें आते वक्त रास्ते में दिखी थी? कंडक्टर बोलता है, हाँ ये वही काऊ है, शायद इसे हाई स्पीड व्हीकल ने टक्कर मार दी और ये मर गई। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। जब वो घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके पड़ोस में रहने वाली चैटरबॉक्स आंटी उसकी मम्मी से बात कर रही थी। वो बोलती है, तुम कहाँ थी? तुम्हें तुम्हारी मम्मी ढूंढ रही थी। पर वो कुछ जवाब नहीं देती है और स्माइल देकर वहाँ खड़ी हो जाती है। फिर वो चैटरबॉक्स आंटी और वो बात कर रहे थे, दुनिया में जाने क्या क्या चल रहा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो वल्ली कहती है, हाँ। तो उसकी मम्मी कहती है, तुम ये क्या कह रही हो? वल्ली कहती है, मैं तो आपकी कन्वर्सेशन का जवाब दे रही थी। पड़ोस वाली आंटी कहती है, देखो तो इस छोटे से बच्ची को बड़ों की बात के बीच में ना खड़ा रही है। पर वो इसका जवाब दे रही थी कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हमें तो कुछ भी पता नहीं है। कि उन्हें ये भी पता नहीं है कि वल्ली अभी बस राइड लेकर आ रही थी। इस स्टोरी में ऑथर बच्चों की क्यूरियोसिटी को दिखा रहे हैं। वो यह भी बता रहे हैं कि नई चीज़ों से बच्चे कितनी जल्दी और आसानी से फैसिनेट हो जाते हैं और उनकी क्यूरियोसिटी तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक वो उस काम को कर नहीं लेते। इस स्टोरी में वल्ली को लाइफ और डेथ की मिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है।